दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे सलमान खान, रणबीर कपूर और आमिर खान की तीन बड़ी फिल्मों के डे 5 कलेक्शन कंपैरिजन के बारे में, यानी कि रेस 3 वर्सेस संजू वर्सेस ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की शुरुआती 5 दिनों की कमाई में कौन सी फिल्म रही आगे। पहले बात करें रेस 3 की। सलमान खान की ये फिल्म मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक थी। इसने यूं तो वर्ल्ड वाइड 320 करोड़, भारत में 180 करोड़ का कलेक्शन अपना लाइफ टाइम किया और फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप माना गया। फिल्म ने अपने पहले 3 दिन में 106 करोड़ और शुरुआती 5 दिनों में 132 करोड़ का कलेक्शन किया। ये आंकड़ा काफी शानदार है, लेकिन सलमान के नाम के मुताबिक फिल्म को सफलता हासिल नहीं लगी और नतीजा फिल्म को बुरी फिल्मों में ही गिना गया। हालांकि फिल्म से सलमान खान को 120 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुनाफा हुआ, क्योंकि इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 320 करोड़ और इसका बजट 150 करोड़ रुपए ही था। ऐसे में सलमान की ये फिल्म मुनाफे में तो रही, लेकिन फ्लॉप होने से खुद को नहीं बचा सकी। इस फिल्म में सलमान के अलावा बॉबी देओल, अनिल कपूर, जैकलिन जैसे बड़े सितारे भी नजर आए थे। अब बात करेंगे संजय दत्त के बायोपिक पर बनी फिल्म संजू के 5 दिन के कलेक्शन के बारे में। किसी ने सोचा नहीं था कि रणबीर कपूर इस बार सलमान खान जैसे बड़े सितारे की फिल्म को क्लैश में हरा देंगे। एक ही महीने के अंतर्गत रिलीज हुई फिल्म संजू ने रेस 3 को बुरी तरह पछाड़ा। अपने पहले 3 दिन में 120 करोड़ का कलेक्शन किया, जो कि भारतीय बॉक्स ऑफिस पर फिल्म बाहुबली 2 के बाद सबसे ज्यादा का कलेक्शन था और ये फिल्म लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 545 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर गई। और साथ ही क्रिटिक्स ने भी फिल्म को सराहा, दर्शकों को भी संजय दत्त की ये बायोपिक काफी पसंद आई। हालांकि कुछ लोगों ने ये भी माना कि इस फिल्म को केवल संजय दत्त की छवि सुधारने के लिए ही बनाया गया है। राजकुमार हिरानी की ये फिल्म कमाई के मामले में नए नए इतिहास रच गई और नए नए झंडे भी गाड़ गई। तो दोस्तों ये थे 5 दिन के कलेक्शन की जानकारी संजू की। 5 दिन 168 करोड़ रुपए। अब बात करेंगे दिवाली के मौके पर रिलीज हुई फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के शुरुआती 5 दिन के कलेक्शन के बारे में। दोस्तों ये भी पूरा उलटफेर ही साबित हुआ। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, जो हम सोच रहे थे कि ये सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी और 500 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तो ये भारत में ही कर लेगी, लेकिन अब इसको 200 करोड़ के लिए भी लाले देखने को पड़ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, शुरुआती 5 दिनों में ठग्स ऑफ हिंदुस्तान का कलेक्शन मात्र 127 करोड़ रुपए ही रहा, जो कि रेस 3 और संजू दोनों से ही पीछे है। जहां रेस 3 132 करोड़ और संजू 168 करोड़, तो ठग्स ऑफ हिंदुस्तान मात्र 127 करोड़ रुपए। फिल्म का बजट दोनों ही फिल्मों से ज्यादा 250 करोड़ रुपए है, जो कि ये निकालना फिल्म के लिए मुश्किल साबित होता जा रहा है। तो दोस्तों ऐसे में ये कहेंगे कि इस बार आमिर खान, रणबीर कपूर, सलमान खान दोनों से ही पीछे रह गए। आमिर खान हमेशा ही कलेक्शन के मामले में इतिहास रचते हैं, लेकिन इस बार ठग्स ऑफ हिंदुस्तान से वो खुद को ठगा हुआ ही महसूस कर रहे होंगे। तो दोस्तों ये थी शुरुआती 5 दिनों के कलेक्शन की जानकारियां। इन तीनों फिल्मों में से आपको कौन सी फिल्म बेस्ट लगी, संजू रेस 3 या फिर ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर मेंशन करें और सब्सक्राइब करें देखो देखो, ताकि आने वाली खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।